हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं देखिए डेली मैं आपके लिए ऐसे ऐसे स्टॉक्स लेके आ रहा हूं जो कि यहां पर मल्टीबैगर साबित हो रहे हैं अभी एक वीडियो यहां पर आपके लिए बनाई है जहां पर फ्यूचर का मल्टीपैगर मैंने स्टॉक्स बताया कैसे शॉर्ट में यहाँ पर भी पैसा बनता हुआ दिखाई दिया और भी बहुत सारे स्टॉक जैसे कि यहाँ पर चेन्नई पेट्रो मैंने आपको बताया और भी बहुत सारे स्टॉक्स मैं आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर बताता रहता हूँ अब ऐसा ही एक स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जहां पर बेहतरीन पैसा आपको बनता हुआ दिखाई देगा उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का नाम है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड अब लोग कह रहे होंगे कि भाई गिर रहा है शेयर शेयर और आप शेयर को बता रहे हो तो इसके पीछे की मैं पहले कहानी बता देता हूँ गिरते हुए शेयर के बारे में ही क्यों बात करता हूँ तो इसके पीछे की सिंपल सी वजह यह है कि कंपनी जब अच्छे रिजल्ट आते हैं और उसके बाद जब शेयर गिरता है तो याद रखिए उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जबरदस्ती उस शेयर को पहले तो गिराया जाता है जबरदस्ती गिराया जाता है भागना चाहिए शेयर बट गिराया जाता है और वो भी इसलिए गिराया जाता है ताकि बड़े लोग जो बड़े लोग होते हैं जो मार्केट में प्लेयर होते हैं जो शेयर को भगाते हो गिराते हैं वो यहाँ पर माल को भर सके ओके okay? अभी तक उनके पास जहाँ एक लाख शेयर थे वो थोड़ा सा गिरा के यहाँ पर वो शेयर को बढ़ाएंगे दो लाख तीन लाख शेयर करेंगे और उसके बाद चीजें यहाँ पर भागती हुई नजर आएगी अब मैं इसका एक एग्जांपल और देता हूँ ओके मेरे पास भी है एस कार्ड्स आई एज वेल एज मेरे क्लाइंट के पास भी है यहाँ पर जब ये शेयर चल रहा था मैंने उनसे कह दिया था कि भाई वो भी कह रहे थे भाई क्या करना है शेयर में प्रॉफिट हो रहा है है बेच दे मैंने कहा देखिए भाई यहाँ पर सिंपल सी बात शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है मुझे ओके और यहाँ पर शेयर थोड़ा सा गिरेगा जरूर गिरेगा और उसके बाद भागता हुआ नजर आएगा और कल मैंने उन्हें यहाँ पर बाइंग करने की सलाह दी थी कल मैंने कहा था अब यहाँ पर आप चाहो तो एवरेज कर सकते हो ओके okay, क्योंकि यहां पर तो उन्होंने भी नहीं बेचा था मैंने भी नहीं बेचा और मैंने उनसे कह दिया था एवरेज करना है एवरेज कर लो कल के दिन में और आज के दिन में देखिए क्या हुआ है आज के दिन में शेयर भागा है क्यों भागा है शेयर क्योंकि पर दिखाई दे रहा है हमें माल अच्छे रिजल्ट आए हैं माल भरने के लिए चीजें नीचे आ रही है माल भर के दोबारा यहाँ पर शेयर को भगाया जाएगा और यहाँ पर देखिए माल भरा और एक साथ कितने 2.66 लगभग यहाँ पर 26 और 27 लाख शेयर यहाँ पर आज के दिन में खरीदे गए हैं तो इस चीज को थोड़ा सा समझने वाली चीज होती है तो इसलिए

मैंने इसके ऊपर काफी बार यहाँ पर वीडियो बनाई है और आपको नीचे के लेवल पर भी दिलाया है ओके okay, और इस लेवल पे भी मैंने आपको दिलाया था क्योंकि मैंने भी इसी लेवल पे यहां पर पर शेयर को खरीदा था था और उसके बाद लगातार गिर गया बट हमें पता है ना चीजें अच्छी है या नहीं है क्योंकि यहाँ पर चीजें हमें दिखाई देती है ओके okay, हम कोई भी शेयर ले रहे हैं तो हम आंख बंद करके नहीं ले रहे हैं हम कुछ सोच के ले रहे हैं कुछ समझ के ले रहे हैं कंपनी करती क्या है कंपनी एक म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन की तरह यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है इन द इन द सेंस यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में ओके okay, पर जो कचरा उठाया जाता है जो वेस्ट उठाया जाता है लोगों के घरों का वो यहाँ पर ये कंपनी आपके घरों में औ, और लेके जाती है तो यहाँ पर देखिए इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल पावर स्वीपिंग ऑफ रोड्स मतलब यहाँ पर रोडों पे जो झाड़ुआ झाड़ू लग, लगती है वो यहाँ पर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मतलब यहाँ पर जो भी घरों में आ, कलेक्शन uh, किया जाता है वो वेस्ट को वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट एंड अंडरटेक द डिजाइन कंस्ट्रक्शन तो उन्हीं जो वेस्ट है उसका क्या-क्या यूज किया जाता है एक तो यहाँ पर एनर्जी उससे क्रिएट की जाती है एज वेल एज अंडरटेक द डिजाइन कंस्ट्रक्शन तो देखिए सबसे पहले तो ये पूरा प्रोसेस कैसे है सबसे पहले तो यहां पर बड़े-बड़े यहां पर टेंडर निकले टेंडर निकले तो इनको टेंडर मिला टेंडर मिलने पर इन्हें बात है घरों में से वेस्ट उठा रहे उसका पैसा मिला उस वेस्ट को यहाँ पर इन्होंने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया उधर से पैसा मिला और उसी वेस्ट को यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं आप नितिन गडकरी साहब को सुनते हैं तो आप समझते हैं कि क्या कैसे उन, उन्होंने उन्होंने पांच करोड़ रुपए सड़कों में वेस्ट मतलब जो भी पन्निया होती है और घरों का जो वेस्ट होता है वो यहाँ पर डाल के सड़कें बना देते हैं तो वहां से पैसा बना तो अंडर अंडरटेक द डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनिंग मेंटेन इंटीग्रेशन वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी इन कांजुल मार्ग मुंबई तो ये मुंबई में है कांजुल मार्ग वन ऑफ द टॉप फाइव प्लेयर मतलब टॉप फाइव प्लेयर में यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है और इसके अलावा इन्हें अलग अलग जगह से यहाँ पर uh, मिलता हुआ नजर आता है प्रोजेक्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं एज वेल एज यहाँ पर देखें तो ना स्टेट uh, में इंडिया में अभी तक यहाँ पर uh, काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और एम के साथ और यहाँ पर, यहाँ पर यह काम करता हुआ दिखाई देता है क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ क्लाइंट्स विच इंक्लूड म्यूनसिपलिपल अथॉरिटीज जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे टॉप फाइव क्लाइंट्स ऑफ द कंपनी कंट्रीब्यूट जो पांच क्लाइंट है उनसे सेवेंटी सेवन परसेंट का यहाँ पर हिस्सेदारी सॉरी uh, काम आता हुआ दिखाई दे रहा था जो कि यहाँ पर पहले नाइन्टी वन परसेंट था Uh, Indian, uh, 18 में और इसके अलावा इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि यहाँ पर पहले मुंबई में काम कर रहे थे अब यहाँ पर दिल्ली एनसीआर और यूपी में भी यहाँ पर काफी जगह से इन्हें ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं और द लार्जेस्ट लोकेशन इन एशिया तो यहाँ पर देखिये सारा कुछ अच्छा खासा है कंपनी अच्छे खासे काम में कि यहाँ पर दे रही है और जब मोदी साहब ने यहाँ पर कह दिया है स्वच्छ भारत की जब बात उठी थी, थी तो ऐसी बात है ये यह शेयर यहाँ पर एक बेहतरीन शेयर है मार्केट कैप की बात करें 920 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है स्मॉल कैप कंपनी है बारह का पीई है इंडस्ट्री का पीई चौबीस का है यहाँ पर से अगर ये शेयर बारह से चौबीस के पीई पे भी आ गया तो सीधे यहाँ पर आपके पैसे यहाँ पर अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आएंगे आर ओ सी आर ओई की बात करें तो चौबीस का आर ओ सी है और आर ओई की बात करें सत्रह का है स्मॉल कैप माइक्रो कैप शेयर में इतना आर ओ सी आर ओई मिल जाना काफी बड़ी बात होती है और ऐसा शेयर एक मल्टी बैगर शेयर है यह मुझे यहाँ पर नजर आता है ओके और नौ सौ बीस करोड़ में हमेशा कहता हूँ छोटे शेयरों में पैसा लगाओगे ना पैसा बनेगा डेफिनेटली बनेगा हाई चार सौ पचपन का शेयर यहाँ पर बहुत काफी नीचे आ गया था दो सौ रुपए तक आ गया था अब बात करें तो 326 पे चल रहा है पीजी रेशो एकदम बेहतरीन प्रॉफिट का जो ग्रोथ है पिछले साल में साल पांच साल में 20 परसेंट सेल्स का 21 परसेंट सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है डेट की बात करें इकतालीस परसेंट के आसपास का डेट है डेट भी ज्यादा नहीं है कोई प्लेजिंग नहीं है फेस वैल्यू पांच का है ओके सब कुछ अच्छा नजर आया एंट्रेंसिक वैल्यू पांच का है यहाँ से यहां तक गया तो फिफ्टी परसेंट रिटर्न तो यही बन गए इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीज की तो क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स कितनी है यहाँ पर देखिए सेल्स लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बार की जो सेल्स आई थी हाईएस्ट एवर सेल्स आई थी 235 करोड़ रुपए की प्रॉफिट 44 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि हाईएस्ट एवर था और 19 परसेंट का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया था जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर मार्जिन है ओके आ, थोड़ा सा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे बट याद रखिए मैंने क्या बताया अभी एक, पर एक, ही वीडियो पर एक कुछ अच्छी थी शेयर भागा तो यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करिए उन्नीस परसेंट का मार्जिन जरूर आया बट कंपनी इयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर देखिए कंपनी लगातार यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है और मार्जिन की वजह से कम आया है कंपनी का मार्जिन कुछ हुआ होगा जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हुए होंगे उस वजह से यहां पर शायद यहाँ पर ज्यादा आता हुआ दिखाई दिया है और यहां पर देखेंगे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है हर तरीके से अच्छा खासा स्टैंडर्ड नंबर और सब कुछ यहाँ अच्छा नजर आ रहा है और एक ही दिन भाग लेगी याद रखिए एक ही दिन में शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा सेल्स देखिए लगातार सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है दो में दो सौ करोड़ अभी पिछले बारह जनवरी से अभी तक बात करें सात नेट प्रॉफिट सत्रह करोड़ सौ चौहत्तर करोड़ हो गया ये ग्रोथ आपको नजर नहीं आ रही ये ग्रोथ मुझे साफ साफ नजर आ रही है मार्जिन पे थोड़ा इफेक्ट है बट याद रखिए शेयर अब भागता हुआ नजर आएगा थोड़ा सा टाइम दे दीजिए बस वैसे रिजर्व घाटे से कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में आ गई है ओके यहाँ पर देखिए सॉरी घाटा था यहाँ पर इकतालीस करोड़ का अभी देखे तो यहाँ पर रिजर्व में चार सौ तीन करोड़ रुपए ये बढ़ गए हैं बोराइंग एक सौ इकहत्तर करोड़ के आसपास की बोराइंगे वर्किंग प्रोग्रेस में नौ करोड़ और कैश की बात कर रहे कंपनी का 93 करोड़ रुपए का कैश भी पड़ा हुआ है एज वेल एज प्रमोटर्स की, की होल्डिंग तो के बारे में आधी अट्ठाईस okay, से बारह परसेंट हो गई है बट एक चीज देखिए यहाँ से यहाँ तक दस करी और फिर दस से क्या हुआ ग्यारह हुई ग्यारह से अभी बारह परसेंट लगातार हिस्सेदारी यहाँ पर से बढ़ रही है डी की बात करें डीआईएस की हिस्सेदारी यहाँ पर लगातार कम हुई है बट

तो यहाँ पर आपको पता चलेगा शेयर लगभग लगभग तैतीस परसेंट अभी भी डाउन है और यहाँ पर कितना डाउन आ गया था लगभग फिफ्टी परसेंट डाउन आ गया था तो यहाँ पर भी आपको बताया गया था कि शेयर काफी बेहतरीन नजर आता है उसके बाद से एक अच्छा खासी रैली भी हुई है और यहाँ पर बात करें यहाँ पर माल भरने के लिए शेयर गिराया गया और कोई भी रीजन नहीं है यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर जो इसका हाई था रजिस्टेंस था ओके उसी रजिस्टेंस को यहाँ पर टच करके चुपचाप चीजें नीचे आई है यहाँ पर अब देखिए

आधे टाइम तो आधे आधे पैसे हो गए बट उसके बाद जब शेयर भागा तो वही पैसे पांच गुना और दस गुना होते हुए नजर आए हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लाइन के जिस दिन ऊपर गया शेयर यहाँ पर भागेगा और सबसे पहला टारगेट यहाँ पर होगा चार का उसके बाद यहाँ पर टारगेट इनका चार का और जब यहाँ पर आएगा तो शेयर और भागता हुआ नजर आएगा गिरेगा नहीं तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलते रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिक क्योंकि काफी लोगों ने बेल आइकन को हिट नहीं कर रखा नोटिफिकेशन नहीं जा रही वीडियो नहीं पहुंच पा रही है यहाँ पर दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ पर दूसरी वीडियोज को देखिए और यहाँ पर, पर चार्ट डालते रहते हैं ट्विटर पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस